नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के विदिशा में किसानों ने बताई अपनी पीड़ा। जनपद ग्यारसपुर के अटारी खेचरा किसानों ने बताई अपनी पीड़ा। कहा, जब से प्रदेश में गेहूं चना मसूर की तुलाई का काम जारी हुआ है, तब से आज तक अटारी खेचरा तुलाई केंद्र बनाया जाता था, मगर इस वर्ष अटारी खेचरा से 25 किलोमीटर दूर रुचि वेयर हाउस केंद्र बनाए जाने से किसानों को झेलनी पड़ रही है काफी परेशानी। वहीं दूसरे संबंध में जब सोसाइटी सुपरवाइजर राम नारायण तिवारी से बात की तो उनका कहना है, जैसा हमें ऊपर से आदेश आया वैसा हमने काम किया। जो उन्होंने तुलाई केंद्र चिन्हित किया, वहीं पर 5 गाँव के किसानों की गेहूं की तुलाई की जा रही है। ग्यारसपुर संवाददाता त्रिलोक सेन की रिपोर्ट। रुद्र प्रताप सिंह डांगे जी, किस प्रकार की समस्या आ रही है आपको अपनी उपज बेचने में, क्या परेशानी बताइए। यहाँ से 22 से 25 किलोमीटर दूर पर तुलाई हो रही है। किसान को एसएमएस रात में आता है, सुबह उसको व्यवस्था करनी पड़ती है, ले जाने में परेशानी हो रही है जी। ये अटारी खेड़ा सोसाइटी 5 गांव की सोसाइटी है, यहाँ पर पूरी व्यवस्था है, गोदाम भी है, ग्राउंड भी है तुलाई के लिए, लेकिन यहाँ पर तुलाई बंद है। क्या कारण रहा, क्यों बंद है, आपने जानकारी नहीं लाई, क्यों बंद की जा रही है? नहीं, ये तो मालूम नहीं है, लेकिन मुझे जहाँ तक पता है कि शायद किन्हीं कर्मचारियों के गड़बड़ी के का खामियाजा पूरे 5 गांव के किसानों को उठाना पड़ रहा है। गड़बड़ी उन्होंने की और उसका नुकसान हम किसानों को भुगतना। अभी आपको अपनी फसल बेचने के लिए कहाँ जाना पड़ रहा है? ये रुचि वेयर हाउस 5 विदिशा के पास है, वहाँ जाना। यहाँ से कितना किलोमीटर पड़ता है? 25 किलोमीटर के लगी। तो आपके लिए कितने कुंटल गेहूं की तलाई का मैसेज आया? मुझे 20 तारीख को कल 131 कुंटल गेहूं बेचने का मैसेज आया था, जिसका मैंने बहिष्कार कर दिया जी। छोटे किसान है जिनके पास ट्रैक्टर ट्राली नहीं है, साधन नहीं है जी, वो वहाँ जा रहे हैं परेशान। और एक किसान गोपाल सिंह जी लेके गए थे, उन्हें 2 दिन तक वहाँ रुकना पड़ा जी, गेहूँ सुखवाया 2 दिन पूरी दोपहरी में, उसके बाद भी उनसे एक बोरी पर 500 ग्राम गेहूं अधिक तुलाई कराई। किस कारण? गीला बताकर, जबकि 2 दिन सूखने के बाद भी उनने आधा किलो ज्यादा तोला जी। तो यहाँ अटारी खेड़ा में क्या ओलावृष्टि हुई थी? ओलावृष्टि हुई, बारिश भी हुई कल परसों, फिर बारिश हुई, तो उससे आपकी फसल में कोई फसल को नुकसान हुआ है? इसके बाद भी किसानों ने जो अपना गेहूँ बचा लिया, 80% भी नुकसान हुआ, 20% तो गेहूँ की तुलाई हो रही है, और वहाँ पे लगाया 5 पे, वो यहाँ पे अटारी खेड़ा में भी लगा सकते हैं जी। नाम गोपाल जी, किस प्रकार की आपको आपकी उपज जो तुलवाई केंद्र है वहाँ पर क्या समस्याएं आ रही हैं? मेरे लिए 18 तारीख का मैसेज आया था तुलवाने के लिए, 3 बीघा जमीन का मैसेज आया था, 27 कुंटल गेहूँ तुलना था जी। हम लोग लेके पहुँचे दोपहर में 28 तारीख को 12 बजे, 18 तारीख को। इसके बाद वहाँ हमने सर्वेयर से कही कि भैया माल ले आए हम, आप देख लो जी। कल अभी नहीं देखेंगे, अभी ये ट्राली और तुल रही है, तो नहीं इसके बाद देखेंगे। शाम को जब हमारी ट्राली पर तुलने के लिए पहुँची तो हमारा माल को गीला बताया गया जी। कहे ये नहीं तुलेगा, वो गीला है, सुबह आप इसको तिरपाल पर सुखाइए, इसके बाद तुलेंगे। रात भर हम वहीं रुके, सुबह हमने तिरपाल पर हमारा अनाज खाली किया, उसको पतला करके बिछाया, शाम तक हमारा अनाज सूखा। इसके बाद भी सर्वेयर बोले कि अभी भी नहीं खुलेगा आपका। इसके बाद प्रबंधन ने हमको बोला कि आपको कम से कम 500 ग्राम एक कट्टी पे ज़्यादा तुलाना पड़ेगा। तो हम 2 दिन पड़े पड़े हो गए थे, हमने कही कि ठीक है भैया आप आ गए हैं तो हमारा अनाज तोल है। तो उन्होंने हमारी 51 किलो 200 ग्राम के हिसाब से तुलाई की, तुलाई करने के बाद हमें फिर हम लोग घर आ गए जी। और आपकी जानकारी प्राप्त हुई 50% राशि खाती जा रही, जो केसी जिनको लेकर रखा ऋण हमारा ही काटा है ना, 50% पैसा वो कल इतना 50% पैसा आपको ऋण में दिया जाए, वो ऋण खाते में जाएगा जी, 50% आपको सेवन खाते में डाला जाएगा। तो हाल तुरंत बनने कलम चला दी, आधे पैसा हमारे ऋण खाते में डाल दिए, वो आधे खाते कर लीजिए आपके सेवन खाते में। तो लॉकडाउन के चलते अगर आपका 50% पैसा जो काटा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मुश्किल तो हालात काम चल जाएगा, तो उसमें सही मान के चलो आधा पैसा हमारा काट लिया, तो अब लोग मुसीबत में तो है, लॉकडाउन के चलते भी है, शुरू से ही सब खेती बाड़ी सब मान के चलो कर रहे हैं, तो लगत तो पूरी लग गई हमारी, और हमारे पैसे भी आधे कट गए। हमको क्या है, कुछ नहीं है, मान के चलो ऊपर से ही कुदरत की मार ने हमें वैसे ही परेशान करके रखा है, इससे ऊपर से अब ये कर्मचारी लोग अफसर वो जे लोग परेशान कर रहे हैं। तो हमारे गांव अटाड़ी खेड़ाई में पहले कांटा लगता था, अब मान के चलो यहां से 25 किलोमीटर दूर कांटा हमको भेज रहा है,
वहाँ जान के तुलवा रहे हैं। हमारे यहाँ सब व्यवस्था है, छोटे छोटे कस्बों में भी तुलाई हो रही है, यहाँ वेयर हाउस भी है, रोड भी है, बैंक भी है, सारी व्यवस्था है। इसके लिए जितनी अच्छी व्यवस्था आस पास कहीं नहीं मिलती हमारे गाँव।